इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे प्रश्नावली 10.5 से। तो यहां पर ये कहा गया है कि एक जो ट्रायंगल है, कोई एक ट्रायंगल बना देते हैं और इस ट्रायंगल की दो साइड्स को देखो, इस ट्रायंगल की दो साइड को डायमीटर लेके हम, यानी व्यास लेके हमें सर्कल ड्रॉ करना है। तो पहले तो सर्कल ड्रॉ करते हैं। देखो ये इसका मिड पॉइंट है, एक सर्कल हमने ये ड्रॉ किया और दूसरा इसे डायमीटर लेके ड्रॉ करते हैं। तो इसका मध्य बिंदु यहां पे होगा लगभग, तो एक थोड़ा छोटा सर्कल बनेगा। ओके, परफेक्ट। ए बी सी, तो हमने क्या किया है, बी सी और ए बी को व्यास लेके दो सर्कल, दो वृत्त हमने बना दिए हैं। और हमें यह सिद्ध करना है कि जो दो इन दोनों वृत्तों का जो प्रतिच्छेदी बिंदु है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो तीसरी साइड पर पड़ेगा। ये हमें पता करना है, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो अब इसे करते हैं। देखो माय डियर, सबसे पहले बी को इससे ज्वाइन करेंगे हम। तो हमने बी को इससे ज्वाइन किया। वेल, अब हमें यह प्रूफ करना है, और ये डी ले लेते हैं, हमें यह प्रूफ करना है कि जो ए डी सी है ये एक सीधी रेखा है। तो देखो कैसे, सबसे पहले अगर हम बात करें और ये सारा हम लिखेंगे कि ए बी और बी सी को, बी सी को व्यास मानकर वृत्त हमने यहां पे खींचा, ठीक है। और इसके बाद वेल, अब यहां पे बी से डी को ज्वाइन किया, तो बी से डी को हमने मिलाया, ठीक है, ये हो गया है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं एंगल बी डी सी की, तो ये होगा 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि देखो अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, और इसी तरह से देखो अर्धवृत्त कैसा है भाई, बीसी व्यास है, ये व्यास है तो ये 90 डिग्री हो गया। इसी तरह से ये भी व्यास है, तो एंगल ए डी बी ये भी 90 डिग्री है, सेम रीजन, अर्धवृत्त पर, क्योंकि ये अगर व्यास है तो इसके लिए भी अर्धवृत्त हो गया है और इस पे ये कोण 90 डिग्री होगा। अब हम इनको प्लस करेंगे, एंगल बी डी सी प्लस एंगल ए डी बी, तो ये होगा 90 प्लस 90। और देखो बी डी सी और ए डी बी को जोड़ेंगे तो सीधा एक सीधी रेखा आएगी, यानी एंगल ए डी सी आएगा जो कि 180 डिग्री है। तो आप कह सकते हो कि ए डी सी या ए सी एक सीधी रेखा है। तो इससे ये प्रूफ होता है, ये सिद्ध होता है कि जो इन दोनों वृत्तों का प्रतिच्छेदी बिंदु है ये तीसरी भुजा पर पड़ेगा। ओके, वेल, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा।